हेलो गाइस, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कल को अगर दौड़ना स्टार्ट किया तो वो हमारे हाथ में नहीं आ पाएगा। और बहुत छोटा सा स्टॉक है, केवल 40 रुपीज़ का स्टॉक है। अगर आप उसको खरीदते हो तो आने वाले दिनों में 5 साल या 10 साल में आप लाखों में भी खेल सकते हो। और ये कंपनी डूबने भी नहीं वाली है। कौन सी कंपनी है? फेडरल बैंक नाम है। आपको पता है कि बैंक डूब नहीं सकता, आरबीआई उसको किसी न किसी तरह बचा लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यस बैंक 400 का शेयर आ चुका था 6 रुपीज़ के भाव में, ठीक है, 6 रुपीज़ के भाव में आ चुका था, लेकिन दोस्तों आरबीआई ने उसको डूबने नहीं दिया, ठीक है। आज के डेट में वो 20 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आरबीआई ने डूबने नहीं दिया। और ये कंपनी जो ऑलरेडी आज के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं केवल 46 रुपीज़ के आसपास है। हाँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे स्टॉक पर फोकस करने के लिए, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर में है और ये स्टॉक का जो भाव चलता था केवल 100 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड करता था। उसके बाद ये स्टॉक देख सकते हैं बहुत नीचे गिर चुका है, जो अंडर वैल्यूड से भी नीचे आ चुका है। अगर आज के डेट में देखेगा तो 40 के आसपास आया, और मतलब कि हम देखते हैं तो ये कम से कम 55% के आसपास जो है ये अंडर वैल्यूड हो चुका है और गिर चुका है। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये स्टॉक जो है अब एक बॉटम बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब इससे ज्यादा ये स्टॉक नहीं गिरना चाहता, ठीक है। देखिए, जब स्टॉक गिरा था तो यहां देख सकते हैं अप्रैल में ये जो है ये मूड आपको बना रहा, और यहां से देखिए जो इसका वॉल्यूम फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम है, ये देखिएगा फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम है, ये देखिए ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, ऊपर जाने के लिए रेडी है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा। तो जिस दिन ये ब्रेकआउट करेगा ना, इस दिन आपको बहुत लंबी तेजी देखने को मिलेगी और ये आपके हाथ में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही मजबूत शेयर है। और अगर इस कंपनी के हम टेक्निकल्स भी देख लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि अभी ये जो है बुलिश साइन दिखाया जा रहा है, ठीक है, बुलिश साइन दिखाया जा रहा है। और भी ऊपर करके मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए 15 यहाँ है, नेचुरल 8 है, और बियर्स कितना है, केवल 4 है। तो ये कंपनी अब पहले थी गिरावट हो रही थी तो स्टैक बहुत ज़्यादा बियर था, लेकिन आज के डेट में ये बुलिश साइन में चला जा चुका है, और थोड़ी और अगर स्पीड पकड़ ली तो ये कंपनी हमारे हाथ में भी नहीं आने वाला। अगर शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, कितने हिस्सेदारी किसके पास है, तो यहाँ पर देख लीजिए अभी, ठीक है, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कि एक भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। 40 रुपीज़ के शेयर में एक भी शेयर आपको जो है प्लेज नहीं दिखाई देगा, एक भी नहीं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बैंक के लिए। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो इंक्रीज म्यूचुअल फंड होल्डिंग कितने से, तो वहाँ पर देख लीजिए 2.73, मतलब लगभग 3% के आसपास इन्होंने म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया इस बैंक में, केवल 40 रुपीज़ के बैंक में। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े अच्छे बैंक है, जो रेपुटेटेड बैंक है, कोटक है, HDFC है, ICICI बैंक है, ये जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैंक है उसमें अगर मान लेते हैं म्यूचुअल फंड वाले अपना ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो अलग बात है, लेकिन ये 40 रुपीज के बैंक में भी अगर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे तो आप सोच सकते हो कि कंपनी अच्छी या आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए वो भी पैसे लगा रहे हैं ऐसी कंपनी पर। और लगभग 3% की यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड देता है कंपनी, अराउंड 3% के आसपास। देखिए, जब ये स्टॉक 110 रुपये के आसपास था, ठीक है, कितना 103 रुपीज़ के आसपास इसका जो 52 वीक हाईएस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये 3% का क्या देता था दोस्तों, डिविडेंड देता था। आज के डेट में ये केवल 40 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, ठीक है, 50% या 60% डिस्काउंट पे। आज के डेट में भी अगर ये 3% डिविडेंड आपको मिलेगा तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि प्राइस कम हो चुका है और आप नीचे से खरीद रहे हो, ठीक है। फोरकास्टिंग करके यहाँ पर बताया जा रहा है 87%, मतलब यहाँ पर आप खरीद सकते हो स्टॉक में, देख सकते हैं सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक्स, 87% आप ये स्टॉक को खरीद सकते हो। और एक सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आपने यस बैंक ख़रीदा है और आप यस बैंक से परेशान हो तो मैं बोलूँगा वो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो फेडरल बैंक में। वो पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दोगे तो आपके पास एक सेफ्टी रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यस बैंक गलत है या ख़राब नहीं, वो भी अच्छा, आप जिस प्राइस पर मिल रहा वो भी सही है, लेकिन उसको ग्रोथ होने में और पब्लिक का जो ट्रस्ट सिस्टम था वो हट चुका है, जो तो वो बिल्ड करने में, वो ट्रस्ट सिस्टम को बिल्ड करने में कंपनी को टाइम लग जाएगी। तो मुझे लगता है क्योंकि उसने जो है यस बैंक ने एक बार लोगों को झटका दे चुका है, जिसके फिक्स डिपॉजिट थे, जिन्होंने अपने पैसा लगाया था या पैसा डाला था यस बैंक में, तो उनको एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है, और वो उसी चीज़ को प्रमोट करेंगे अपने पड़ोस में कि यस बैंक अच्छा नहीं है, लास्ट टाइम मैंने पैसा लगाया था तो ऐसा मत करो। तो वो बैंक को ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उसके जगह इसमें पैसा लगाते हो तो ये सही रहेगा आप लोगों के लिए, सही रहेगा। देखिए, ये कंपनी छोटी है, ठीक है, कंपनी छोटी है तो प्रॉफिट छोटा होता है, ठीक है। ये देख लीजिए फाइनेंशियल रिजल्ट आपको दिखाया जा रहा है, एक मिनट,
यहाँ पर देख लीजिए आपको फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। कंपनी छोटी है, प्रॉफिट छोटा देता है, लेकिन भाई ये आपको लॉस नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको जो नेगेटिव साइन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। अगर हम देख लेते हैं तो ये जो भी है कंपनी प्रॉफिट में आपको दिखाई दे रही है, छोटा प्रॉफिट है, लेकिन मैं बोलूंगा सपोर्ट कीजिए, ऐसे बैंक आने वाले दिनों में भी आपको हो सकता है कि अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे। और देख लीजिए ये जो सितंबर में था, उसके बाद यहाँ देख लीजिए दिसंबर में, ठीक है, सितंबर से दिसंबर में क्वार्टर रिजल्ट जब आया तो कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यहाँ देख लीजिए 41 है, ठीक है, और यहाँ पर 44 है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा, लेकिन इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि ये डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फेडरल बैंक में आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा तेजी दिखाया गया, लगभग 10% के आसपास इसमें आपको तेजी देखने को मिल रही है। अगर कल को 2-4% गिर भी जाता है तो मैं बोलूँगा भाई फेडरल बैंक को आपको खरीदना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फेडरल बैंक को आपको खरीदना है, यही बैंक है जो आपको आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और सोच लीजिए, देखिए HDFC बैंक और ICICI बैंक वो भी अच्छे बैंक है, लेकिन जो कम प्राइस में मिल रहे हैं और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न निकालने वाले स्टॉक ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको ये स्टॉक पे फोकस करना है और अपना प्रॉफिट भी बुक करना है। अगर नेक्स्ट टाइम आपको मौका नहीं मिला तो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो फिर बोलोगे क्या मैं इस टाइम खरीद सकता हूं जब इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो मौका चला जा सकता है आपके हाथ से। आज के डेट में भी अगर स्टॉक देखते हैं तो प्रीवियस क्लोज हुआ था 42 रुपीज के आसपास, ठीक है, 42 रुपीज के, यहाँ पर देख लीजिए 42 रुपीज के आसपास ओपन ये हुआ था, क्लोज हुआ था, ओपन हुआ था 44 में, ठीक है, हाईस्ट गया था 46 में। तो ये जो गैप अप ओपन हुआ है, ये गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए प्रीवियस क्लोज से जब ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, अराउंड 2-3 रुपीज़ के आसपास गैप अप ओपन हुआ है। अगर इसका हाईएस्ट देख लेते तो 46.40 मतलब कि 47 रुपीज़ के आसपास ये जाने के ट्राई कर रहा था, गया नहीं लेकिन ट्राई कर रहा था, जा सकता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए ऐसे बैंक में, अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि ये नेक्स्ट HDFC बैंक जैसे जो है अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है, HDFC बैंक नहीं बन सकता, लेकिन मतलब उससे जैसा इम्प्रूवमेंट कर रहा है HDFC बैंक वैसा ये भी इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और पहले से सारे बैंकिंग सेक्टर लॉस में हैं और अभी नहीं लगता कि इस बैंक के पास कुछ खोने के लिए बचा है, कुछ खोने के लिए बचा है, लेकिन फिर भी खरीदने से पहले, बेचने से पहले, प्रॉफिट लेने से पहले, लॉस देने से पहले आपको एक बार सोच जरूर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब प्रॉफिट आता है तो अच्छा लगता है, जब लॉस जाता है तो खराब लगता है, तो दोनों सिस्टम में आपको एक बार चेक करना है। क्योंकि जब आप चेक कर लोगे ना तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ये मुझे खरीदना है। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक बताने वाला जिसने पैसा डबल कर दिया, 17 रुपीज का स्टॉक 30 रुपीज का होने जा रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जो पैसा डबल कर दे, वो भी कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। तो वो स्टॉक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, तब तक मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।